जो किसान दिल्ली कूच कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उन पर पानी की बौछार की गई। जो किसान शांतिपूर्वक चल रहे थे, उन पर आंसू गैस के गोले दागे। जो किसान खामोशी से बढ़े जा रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई। जहां शांति की उम्मीद थी, वहां हिंसा की ऐसी तस्वीर सामने आई जो बेहद हैरान करने वाली है। दिल्ली से सटा ये इलाका है गाजीपुर बॉर्डर, जहां किसानों का प्रदर्शन आज अखाड़े में तब्दील हो गया। हजारों की संख्या में मौजूद किसानों पर जिस तरह से सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया, उसकी एक एक तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। ट्रैक्टर पर सवार किसान आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन बैरिकेड के पास उनकी गाड़ी फंस गई। तभी पुलिस कर्मियों ने उन पर वाटर कैनन से पानी बरसाना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर पर किसान डटे रहे, लेकिन पुलिस वाले भी पीछे नहीं हटे। ये तो बवाल की सिर्फ एक झलक भर थी। इसके बाद तो पुलिस वालों ने चारों दिशाओं में वाटर कैनन का मुंह खोल दिया। किसानों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। गोलियां बरसाई जा रही हैं, जो बड़े शर्म की बात है। जो देश का पेट भरने वाला अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच करी थी। चंद मिनट के अंदर हिंसा की ऐसी तस्वीर सामने आ गई जो हैरान करती है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। किसानों के खेमे में खलबली मच गई। चारों ओर धुएं का गुबार भर गया। दिल्ली कूच के इरादे से बॉर्डर पर डटे किसान गुस्से से भर गए। उन्होंने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। देखते ही देखते गाजीपुर बॉर्डर का ये इलाका मैदान ही जंग में तब्दील हो गया। किसानों ने वाटर कैनन और आंसू गैस का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। जनता पर गोली चलाकर राजनीति करने गया मोदी सरकार, किसानों की सरकार है। जब किसान पर गोली चलेगी, सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई वोट नहीं देगा कैसे मोदी को। इस हिंसा में कई लोगों को चोटें आई, किसी के हाथ में चोट लगी तो कई पीड़ित इधर उधर भागते नजर आए।